हाँ ठीक है, ले वीडियो बना, वीडियो बना, वीडियो बना, वीडियो बना, वीडियो बना, बनाओ ना वीडियो बनाओ। हाँ, अरे क्या गाली नहीं बकता, लड़की की वीडियो बना रहा है, पति पत्नी की तो क्या वीडियो बनाएगा वो? तो हाँ भाई, जरा बोल देना थाने पे जो पूछताछ हो, क्यों करे से थाने डायल हो, कुछ हो तो समझ में आती है। मिशन ओवर में खड़ा है तो देखी नहीं ना, तो नहीं ठीक है, भागा पूछ, बता दो ना भागा क्यों, भागा क्यों, भागा क्यों? तो उसके बाद में तो रोक दिया गाड़ी, मेरे को हाथ मत लगाओ तुम, मैंने कस किया था तुमको भाई, सही से बात कर, रात्रि में जो पुलिस पार्टी भ्रमण पर रहती है उनके द्वारा ऐसे संदिग्ध वाहन जो सुनसान रास्ते पर खड़े रहते हैं, अगर कोई आपराधिक घटना ना हो इसको देखते हुए उनकी सर्चिंग की जाती है। इसी में एक वाहन संदिग्ध पुलिस को नजर आया जिसकी सर्चिंग करी गई, तलाशी ली गई, जिसमें एक कंट्री मेड जो पिस्टल है वो पुलिस को मिला है, उस पर प्रखंड थाना नानाखेड़ा में दर्ज किया गया है। दो आरोपी इसमें गिरफ्तार करे हैं जो गाड़ी में महिला और पुरुष। भैया से बात कर। हेलो, तो चले जाना, बयान देके निकल जाना। हाँ ठीक है ठीक है, आन दो, आन दो पुलिस को, आन दो, पति पत्नी हम दो सबूत देंगे तुमको फोटो का, और अगर उसके बाद मीडिया वालों को मैं फोन लगाऊंगी और बोलूंगी कि ये लोग पति पत्नी को भी नहीं छोड़ते हैं। हां, पूर्ण जो आपराधिक रिकॉर्ड क्रिमिनल का रहता है वो प्रत्येक मामले में देखा जाता है, और इस प्रकरण में भी जो पूर्व के इनकी शोहरत रही है या जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसको भी पुलिस देख रही है कि कुछ अन्य गतिविधियों में इसके साथ वो लिप्त तो नहीं है। जो भी आपराधी का रिकॉर्ड होता है उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है कि किस प्रकार की प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की जानी हैं। जो वीडियो में पुलिस के साथ अभद्रता करते हुए जो आरोपी है वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने संयमता का परिचय दिया क्योंकि एक महिला भी इसमें आरोपी थी, और प्रकरण दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया। जो भी अगर कंप्लेनेंट आता है और वो शिकायत करता है कि इनके द्वारा किसी भी प्रकार से व्यक्ति को ब्लैकमेल किया गया है, प्रताड़ित किया गया है, तो उस पर विधिवत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।